हेलो गाइस, माय नेम इज जीत और मैं कुछ पढ़ने का ट्राई कर रहा था बट कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। तो शायद उठ के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट करा था एमएससी में, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। जैसी तो ऐसा पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है नो वे डिफरेंशियबल फंक्शंस। तो बेसिकली अर्ली 90s में ये सोचा जाता था कि जितने भी फंक्शंस होते हैं, लाइक मोस्ट में जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंशियबल होते हैं। अगर वो डिफरेंशियबल नहीं भी होते हैं तो कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स पे नहीं होते हैं। बस 1872 में एक मीटिंग में सर वाइसराय ने प्रूव कर दिया एक एग्जांपल देके कि एक ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो कहीं पे भी डिफरेंशियबल नहीं है। और उन्होंने इस फंक्शन को कैसे दिया था, विद द हेल्प ऑफ सीरीज। कैसे डब्ल्यू एक्स एम इसको डिनोट करते हैं बिकॉज ये सर वाइसराय ने दिया था, राइट। तो ये कुछ ऐसा फंक्शन था, k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, देन a रेज टू द पावर k cos ऑफ b रेज टू द पावर k पाई x। और जहां पर उन्होंने a और b पे कुछ कंडीशन इम्पोज करी। तो जैसे वो क्या कंडीशन थी, उन्होंने बोला कि a जो है पॉजिटिव होगा और स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा। एडिशनल कंडीशन क्या आती है, दैट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी शुड बी ग्रेटर देन 1 + 3 π/2। ये उन्होंने स्पेशल कंडीशन यूज करी क्योंकि उनके प्रूफ में रिक्वायर्ड थी। बट उसके बाद ये देखा गया, कुछ और मैथमेटिशियंस ने प्रूव कर दिया कि इस कंडीशन को ईज आउट किया जा सकता है और हमें फंक्शन ऐसा मिल सकता है जो कि नो वे डिफरेंशियबल हो विदाउट दिस कंडीशन। और वो बाद की बातें हैं, सर अलीमान सर ने और बाकी मैथमेटिशियंस ने बी पे कंडीशन दी थी। एक्चुअली अभी उन्होंने सर ने दी थी कि ए और बी दोनों का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, बट बाद में वो कंडीशन सिर्फ बी पे आएगी। एक्चुअली ये पहला फंक्शन नहीं था, ये पहला फंक्शन नहीं था जो नो वे डिफरेंशियबल था। ये वो पहला फंक्शन था जो पब्लिश हुआ था, बट पहला फंक्शन था सर बोल्जानो ने दिया था। उन्होंने दिया था, बेसिकली उनका कंस्ट्रक्शन था ज्योमेट्रिकल था। उन्होंने क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन को लिया और उसको मॉडिफाई करा कि पीसेस में, ऐसे उन्होंने फंक्शन को मॉडिफाई करा, राइट। अगर हम इसको सीक्वेंस की टर्म मान ले, दैट ये फर्स्ट टर्म है, तो उन्होंने क्या किया, हर पार्ट को फिर ऐसे ही मॉडिफाई कर दिया, ऐसे ऐसे डूइंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे मॉडिफाई करा। तो अगर हम इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म है ऐसे ही थर्ड टर्म करते हैं, तो जो अगर मान लो अगर हम इन्फिनिटी के पास अगर जाते हैं, लाइक वी एक्टिव अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये जो फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन को अप्रोच करेगा, राइट। बट ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हमें स्टार्टिंग में जो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन कराई जाती है तो वो एक लेमन लेवल में ऐसे करा जाते हैं कि जहां पे फंक्शन के शार्प एजेस होते हैं वहां पे वो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता, राइट। जब हमने स्टार्टिंग टर्म देखी तो यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐसे थे जहां पे शार्प एज थी, इसका मतलब वो वहां पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। जब सेकंड टर्म आई तो हमें वहां पे चार एजेस मिले। तो जब हम इनफाइनाइट टर्म लेंगे सीक्वेंस की, या फिर मान लो कि हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे नहीं जा सकते तो हम अप्रोच ही कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा एजेस हो जाएंगे और हम कहीं भी चेक करेंगे वहीं पे हमें शार्प एज मिलने वाली है और ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं रहेगा। तो ये ऐसा फंक्शन जो दिया था सर बोल्जानो ने दिया था और ये पहला एग्जांपल था नो वे डिफरेंशियबल फंक्शन। बट ये पब्लिश नहीं हुआ था, पब्लिश वाइसराय फंक्शन के बाद हुआ था, इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाइसराय फंक्शन को। और बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आई नॉट गिव यू द होल प्रूफ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे है। ये फंक्शन थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशियबल नहीं है बट ये कॉन्टिन्यूस होगा। और मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि कॉन्टिन्यूस कैसे होगा। सो इसके लिए हम एक थ्योरम यूज करेंगे जो कि आप विकिपीडिया से देख लेना, और विद द हेल्प ऑफ ए विल सी दैट ये कंटिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूटी हम कैसे प्रूव करेंगे, वो भी वाइसराय एम टेस्ट से ही करेंगे। सो कैसे कि वाइसराय एम टेस्ट क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है एफ एन, राइट, और
ये कैसे एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मान लो दैट लेस देन एम एन, इसीलिए इसको एम एन टेस्ट बोलते हैं, बिकॉज हम नोटेशंस में एम एन यूज करते हैं, और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब हर टर्म के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मॉडुलस ऑफ ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये किसी एम एन सीक्वेंस की हर टर्म से लेस है। तो हम कहते हैं कि ये जो सीरीज होगी एन प्लस एक कंडीशन हो रहा है कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा ये होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। कैसा? यूनिफॉर्मली अपनी डोमेन पे, जहां भी ये कोई डोमेन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। तो हम इसका यूज करने वाले हैं कैसे, कि जैसे डब्ल्यू एक्स का अगर इस सीरीज में हम देखें ये हमारा एफ एन, अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस ऑफ ए रेज़ टू द पावर के कोस बी रेज़ टू द पावर के पाई एक्स, अगर ऐसे लेते हैं वी नो दैट मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए बी, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन ये कोस बी रेज़ टू द पावर के पाई एक्स, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग बट इट्स अंडरस्टूड, राइट। तो कोस तो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम ये बोल सकते हैं, और ए हमारा लेस देन 0 था तो हम इसको मॉडुलस हटा सकते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, और हमें पता है कि ए कैसा था, लेस देन 1 था। तो हम ये कह सकते हैं कि सीरीज ए रेज़ टू द पावर के कन्वर्ज करेगी बाय पी टेस्ट, बोल लो आप आई थिंक पी टेस्ट, अदरवाइज जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज होगी, राइट। आप इसको सब निकालोगे तो ये कन्वर्ज करेगा ना, ये कन्वर्ज करेगा, और बाय वाइस प्लस एम टेस्ट ही क्या कहता है कि ये एम एन एन की वाली सीरीज कन्वर्ज कर गई, तो जो हमारी एफ एन थी, मतलब ये जो सीरीज थी बेसिकली जो फंक्शन था, ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। अब देखो एक्चुअल में ये क्या है, ये है लिमिट, किसकी लिमिट है, अगर यहां पे n कर देता हूं और फिर मैं n टेंड टू इनफिनिटी कराऊं तो वो जो मिलेगा वो होगा हमारा w, राइट। तो एक्चुअल में क्या है, लिमिट है। मैंने क्या प्रूफ किया, इसकी हर टर्म कंटीन्यूअस तो बेसिकली है ही, कॉस फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो कॉन्स्टेंट हर टर्म कॉन्टिन्यूस है, प्लस ये जो सीक्वेंस होगी उनसे वाली सीक्वेंस के जैसे 0 टू n मान लेते हैं हम, ये जो सीक्वेंस होगी बेसिकली है तो ना सीक्वेंस क्योंकि ये n पे वेरी कर रहा है, तो ये जो सीक्वेंस होगी ये कन्वर्ज करेगी कहां पे, राइट। करेंगे तो ये तो आएगा, और कैसे कन्वर्ज करेगी, यूनिफॉर्मली बाय एम एन टेस्ट। और आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन जब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो उसकी लिमिट होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, लिमिट हमारी होगी वाइस्ट्रास फंक्शन, और वाइस्ट्रास फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। आई होप ये ज़्यादा मैसी नहीं था तो आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो यू कैन सर्च अराउंड और आपको मिल जाएगा प्रूफ इसके, है। और डिफ्रेंशिएबिलिटी इसकी प्रूफ करना एक टीडियस टास्क है जो मैं वीडियो में नहीं कर सकता, इट्स नॉट इजी फॉर मी एट लीस्ट। और बेसिकली आइडिया क्या है इसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी प्रूफ करने का, दैट हमें एक दो सीक्वेंस का पेयर मिल जाएगा दैट ऐसे और ए एन माइनस बी एन, और हम ये प्रूव कर देंगे कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी कुछ स्पेशल टाइप की, थैंक यू। सो डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी कुछ स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंसेस वी कैन प्रूव दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर हम अगर हर सीक्वेंस के लिए ऐसा ऐसा कुछ प्रूव कर पाएं
कि ये जीरो को मर्ज करेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। बट हम अगर एक सीक्वेंस या दो पेयर ऑफ सीक्वेंस ढूंढ लें जो उसको सेटिस्फाई ना कर रही हो, तो हम क्या कहते हैं कि वो रिजल्ट ऑर्डर नहीं करेगा इन जनरल, राइट। तो इसी का हेल्प, इसी का यूज करके वी कैन प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अजीब सा टॉपिक है बट इट्स इंटरेस्टिंग। मैंने 6 महीने पढ़ा है और स्टार्टिंग में मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन जैसा फील हुआ कि मतलब ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, बट इट इज इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से भी और थर्टिकल एस्पेक्ट से भी। और इसमें नॉलेज भी ज़्यादा यूज नहीं होती, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शन और सीक्वेंस सीरीज, इनसे काम हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप मैं दोबारा कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा तो आई प्रूव द डिफरेंशियबिलिटी, ये डिफरेंशियबल कैसे नहीं है। फॉर नाउ थैंक यू।